हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना घंटों मेहनत किए गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जिससे बनाना बहुत है आसान। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 kg गाजर, जिसे मैं अच्छे से छील कर धुल ली हूँ। किनारे वाले साइड को निकाल दूँगी और मैं इसे मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सभी गाजर को कट कर लिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को कद्दूकस करना हम सभी लोगों को बहुत बड़ा झंझट लगता है। हम गाजर को बगैर कद्दूकस किए नए तरीके से हलवा बनाएंगे। अब गाजर की हलवे की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। हलवे को आज मैं कुकर में बनाऊंगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कुकर, इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करूँगी और इसे मेल्ट होने तक वेट करूँगी। फिर मैं कटी हुई गाजर को भी ऐड कर दूँगी। फ्लेम को मैं मीडियम पर रखूंगी। इसी तरह से मैं सभी गाजर को ऐड कर दूंगी। गाजर को हमें ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे ताकि गाजर का कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो। किसी को चीनी कम पसंद होती है, किसी को थोड़ा ज़्यादा पसंद होती है। मेरे मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो मैं 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसे लिड लगाकर 1 मिनट तक छोड़ दूँगी। चीनी हमारी अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है। कि हलवे को और भी ज़्यादा हेल्थी बनाने के लिए आप इसमें धागे वाले मिश्री ऐड कर सकते हैं। चीनी की जगह अब मैं लिड लगा दूँगी और इसे 2 सीटी आने तक वेट करूँगी। 2 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे। हलवे में हमें सिर्फ 2 सीटी ही लेनी है। गाजर को हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। गाजर को हमें थोड़ा टाइट ही पकाना है, इसलिए मैंने गाजर में पहले ही चीनी ऐड कर दी थी ताकि गाजर ओवर कुक ना हो। गाजर हमारे अच्छे से पक चुकी है। 2 सीटी आने के तुरंत बाद ही मैंने कुकर के लिड को हटा दी है। गाजर हमारी कुछ इस तरह से पक कर रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप गाजर को पकाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है, जिस तरह से हम गाजर को कद्दूकस करके बनाते हैं। अब मैं गाजर में 1 कप दूध ऐड करूँगी और इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। गाजर को मैं एक मैसर की मदद से मैश कर दूंगी। को आप बगैर कुकर के भी किसी भारे तले के बर्तन में पका सकते हैं। जब हमारी गाजर 70% ही कुक होती है तो जब हम इसे मैश करते हैं तो बिल्कुल कद्दूकस की हुई गाजर जैसे हलवे में दानेदार रहती है, वैसे ही मैश की हुई गाजर भी हलवे में दानेदार रहती है। गाजर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा हलवे में साइन आने के लिए 1 टीस्पून घी और ऐड करूंगी। इससे हलवे में अच्छा साइन आएगा। घी ऐड करके मैंने हलवे को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। हलवा हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 6 से 7 काजू ऐड करूंगी कटी हुई, 5 से 6 बादाम कटी हुई ऐड करूँगी, 8 से 10 किशमिश कटी हुई ऐड करूँगी, थोड़ा सा खोया ऐड करूंगी। थोड़ा सा खोया मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी। आपको पसंद हो तो आप साथ ही में 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दें, लेकिन मैं नहीं ऐड करूंगी। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी। 1 मिनट तक मैं इन्हें और अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। गाजर का हलवा हमारा बहुत ही कम टाइम में परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। हलवे को अब मैं एक प्लेट में डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं हलवा कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। मैं खोए, कटे हुए पिस्ते, काजू और बादाम से गार्निशिंग करूंगी बिना किसी झंझट, बहुत ही कम टाइम में। नए तरीके से गाजर के हलवे की रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलती हूँ एक दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।